आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा नेता और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नारायण पंचौरिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान हास्यास्पद हैं। पंचौरिया ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान देते हैं और आरोप लगाते हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मोदी की छवि साफ सुथरी है, ऐसे में राहुल गांधी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। आजादी के बाद अभी तक की ये परंपरा रही है कि देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, उसको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश और मुझे तकलीफ और कष्ट इस बात की हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिवा स्वप्न दिन में स्वप्न देख रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और वो बोल गया बिना तथ्यों के, बिना आधार के देश के प्रधानमंत्री का घोर अपमान करने का प्रयास किया, अपमान भी अपमानित कर दिया, वो इस बात से कर दिया, उसने ये कह दिया कि देश का प्रथम सेवक, देश का प्रधानमंत्री चोर है। आप आश्चर्य करेंगे, ये पहली बार नहीं है, उनके मन मस्तिष्क में साफ है। प्रधानमंत्री जी का, उसने मनमोहन सिंह जी उनके स्वयं के प्रधानमंत्री थे उसका भी अपमान किया था। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिसके मन में देश के प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा नहीं हो, और उस समय उन्होंने कांग्रेस के शासन में एक अध्यादेश को उठाकर पार्लियामेंट में फाड़ के प्रधानमंत्री वहां पे स्पीकर पर फेंका था और देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। हमने सोचा बैठ के ये हो क्यों रहा है, तो पता लगा कि उसके मन मस्तिष्क में एक ही है कि इस भारत की भूमि पर प्रधानमंत्री अगर कोई बैठेगा तो वो गांधी परिवार का ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। उसको तकलीफ हो गई कि गरीब घर में पैदा हुआ ओबीसी का सामान्य परिवार प्रधानमंत्री कैसे बन गया। वो शायद भूल रहा है लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता की ताकतवर बने हैं, विदेश में जहां जिनका मान सम्मान होता है। दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर वोटों की राजनीति है। मैं तक तो बुद्धि का दिवालियापन मानूंगा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को चोर कहा है। हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, आगे भी करेंगे, आम जनता तक बताएंगे कि ईमानदार निष्ठावान सेवक भारत का जो कह के आया उसी के अनुरूप योजना गरीबों के लिए कर रहा है, उस व्यक्ति को चोर करने का दुस्साहस किया है, तो इसका जवाब 2018 और 2019 के चुनाव में जनता ही देगी।